इसराइल में जारी राजनीतिक घमासान के बीच 8 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन का दावा है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। विपक्ष के इस ऐलान के बावजूद सरकार बनाने में अब तक नाकाम रहे वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हार मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने विपक्ष के खिलाफ अपना पसंदीदा कट्टर राष्ट्रवाद का दाव चलते हुए देश को वामपंथी रुझान रखने वाली पार्टियों से बचाने की अपील की है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।